नमस्ते दोस्तों, जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत आने ही वाला है, तो व्रत चाहे महाशिवरात्रि का हो या चाहे कोई व्रत हो, अगर कम मेहनत में झटपट सा नाश्ता जो हम व्रत में खा सकते हैं मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो कि आप व्रत में बहुत ही झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरकुरे आलू पीनट फ्राई बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कच्ची मूंगफली। आप यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भुनी मूंगफली ले रहे हैं तो इसे भुनने का पार्ट आप स्किप कर दीजिए। तो इसे अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। ये देखिए मूंगफली काफ़ी क्रिस्प लग रही है। तो अब इसमें डालेंगे 3 उबले हुए आलू। इसे मैंने काट लिया है और इसे कर लेते हैं मिक्स। तो आलू को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। इस पे हल्की गोल्डन सी लेयर दिखने लगेगी, ये देखिए इस तरह से। आलू हो गए हैं बढ़िया से क्रिस्प। अब ऊपर से हम डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक। और ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे टॉस कर लेते हैं। तो यहाँ गैस की फ्लेम कर लेते हैं ऑफ और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे कटा हुआ हरा धनिया। और बढ़िया टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे ऊपर से नींबू का रस। बट याद रखिए, नींबू का रस हमें गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालना है। कर लेते हैं मिक्स और यह है बिल्कुल रेडी। तो इसे झटपट से सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, कम मेहनत में स्वादिष्ट सी रेसिपी बनके तैयार है जो आप व्रत में कभी भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। आपको और आपकी फैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ। सी यू सून।